हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं शिव अभिषेक पांडे, एम ट्यूटर ऑफ नर्सिंग इंडिया नर्सिंग कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे यूटीआई के बारे में, तो चलिए आइए देखते हैं। व्हाट इज यूटीआई? इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरोथेलियम ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वेशन एंड सेकेंड वन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज ए टर्म दैट इज अप्लाइड टू वेराइटी ऑफ क्लिनिकल कंडीशंस रेंजिंग फ्रॉम द एसिम्प्टोमेटिक प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन द यूरिन टू सीवियर इन्फेक्शन ऑफ द किडनी एंड किडनी विथ रिजल्टेंट सेप्सिस। नेक्स्ट वन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। द मोस्ट फ्रिक्वेंट चीफ कंप्लेंट रिलेटेड टू यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इज ड्यूसोरिया एंड सेकेंड वन यूरिनरी फ्रिक्वेंसी एंड अर्जेंसी आर अप्रोक्सीमेटली 75% प्रेडिक्टिव फॉर यूटीआई। नेक्स्ट वन एक्यूट वनसेट ऑफ एक्साइटेंसी यूरिनरी ड्रिबलिंग एंड स्लो स्ट्रीम आर नॉट अप्रोक्सीमेटली 33% प्रेडिक्टिव फॉर इट। तो यूटीआई क्या होता है? यूटीआई मतलब यू से यूरिन, टी से ट्रैक, ऐसे इन्फेक्शन। यूरिनरी के किसी भाग में इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे हम यूटीआई बोलते हैं। यह भाग कौन कौन से हो सकते हैं? किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। ज़्यादातर ये इन्फेक्शन ब्लैडर ऑफ यूरिथ्रा को कवर करता है जो कि अपर यूरिनरी ट्रैक्ट है, जैसे कि किडनी और यूरेटर। इसके कंपैरिजन में इन्फेक्शन वहाँ कम होता है एंड बॉडी में अपने एंड बॉडी में जो फर्स्ट मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन RTI। ये रेस्पिरेशन सिस्टम है जो कि यूटीआई जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, ये अपना फर्स्ट वन बॉडी में मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है एंड सेकेंड वन अपना यूटीआई है, जो कि यूटीआई सेकेंड मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है। एंड मोस्ट कॉजेज ऑफ वुमेन, ज़्यादातर ये वुमेन में ज़्यादा होता है क्योंकि यूरेथ्रा और एनएस की जो दूरी होती है ना वो कम होती है, यूरेथ्रा की जो लेंथ है ना वो कम होती है, इसलिए ये वुमेन में ज़्यादा होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट वन एनाटोमी। ये अपना यूटीआई का एनाटोमी है, आप देख सकते हैं। ब्लैडर, यूरेटर, टेट्रोसर मसल्स, नेक ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, ग्लांस पेनिस एंड यूरेथ्रा एंड पेनिस, पेल्विक फ्लोर मसल्स, यूरेथ्रल स्पेक्टर एंड अपना सेकंड वन है डायग्राम। किडनी, यूरेथ्रल, ब्लैडर, प्रोस्टेट, यूरेथ्रा, प्रोस्टेटाइटिस एंड यूरेटाइटिस एंड लोअर ट्रैक्ट, साइटिस एंड अपर ट्रैक्ट। ये डायग्राम आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन है एपिडेमियोलॉजी। द इंसिडेंस ऑफ ट्रू यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन इन एडल्ट मेल यंगर देन 15 ईयर्स ओल्ड देन 15 ईयर्स इज लो, अप्रॉक्सीमेटली 5 to 8 पर ईयर पर 10,000 विद एडल्ट वुमेन बींग 30 टाइम्स मोर लाइकली देन मैन टू डेवलप ए यूटीआई। द इंसिडेंट ऑफ यूटीआई इन मैन अप्रोचेज दैट वुमेन ओनली इन मैन ओल्डर देन 60 ईयर्स। नेक्स्ट वन है इन इन्फेंट्स एज ग्रुप बैक्टीरिया इज मोर कॉमन इन मेल्स वाइल फ्रॉम 1 to 5 ईयर्स इट्स मोर कॉमन इन फीमेल्स। नेक्स्ट वन द कॉज ऑफ यूटीआई इन पेट्स ऑफ कॉमनली कॉज्ड बाय कॉग्निशन एनोमालीस रिफ्लेक्स ऑब्स्ट्रक्शन। एंड नेक्स्ट वन है अपना जनरल डेफिनेशन। रिकरेंट यूटीआई मोर देन 2 इन्फेक्शन इन 6 months, 4, 3 इन्फेक्शन इन 1 ईयर। आइसोलेटेड यूटीआई मोर देन 6 months बिटवीन 1 इन्फेक्शन एंड अनदर। नेक्स्ट वन अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई।
इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनली बोथ नॉर्मली यूरिनरी ट्रैक्ट विथ नॉर्मल इम्यूनिटी विथ इम्यूनिटी एंड लो रिस्क ऑफ बैक्टीरियल वायरुलेंस वायरुलेंस एंड मेजोरिटी आर फीमेल्स। इसको अपन मेजर करते हैं इम्यूनिटी अगर वीक हो रही है जो भी है बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो भी आ रहा है अपने यूटीआई में उसको अपन मेजर करेंगे। एंड कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई वन ऑफ द दीज मोर प्रेजेंट मेल पेशेंट विथ स्ट्रक्चरली और फंक्शनली अबनॉर्मली किडनी एंड इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज चांस टू इंक्रीज बैक्टीरियल रेजिस्टेंट HX of ABX used to hospitalization majority are males if UTI caught each male is most likely to be complicated. Next one bacteria significant amount of bacteria in urine 10 to 15 ml sim and SIMS enzyme should be treated in patient children second pregnancy and third इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। नेक्स्ट वन पायरिया प्रेजेंस ऑफ WBC यूरिन मोर देन 5 HPA स्टेलाइज्ड विदाउट प्रेजेंट ऑफ बैक्टीरिया। जनरल ऑफ ये हो गया अपनी जनरल डेफिनेशन। एंड नेक्स्ट वन अपने पाइलोनेफ्राइटिस इट मीन इन्फेक्शन ऑफ रीनल पाइलोनरी पेराइटिस एंड रीनल पेल्विस रिस्क फैक्टर यू आर रिडीम प्रेगनेंसी कॉग्निशियल माल फॉर्मेशन इनवेलिंग कैथेटर ऑब्स्ट्रक्शन। अच्छा जैसे मतलब कॉजेज अगर कोई कारण किस वजह से हो सकता है अगर मान के चलो कोई इंस्ट्रूमेंट अगर इंसर्ट कर किया जा रहा है बॉडी में लाइक कैथराइजेशन है ना या सिस्टोकॉपी प्रोसीजर किया जा रहा है तो इन कंडीशन में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के चांसेस हो जाते हैं बढ़ जाते हैं चांसेस हैं। अगर इम्यूनिटी कम हो रहा है पेशेंट की तो उसको यूटीआई को भी इम्यूनिटी अगर कम हो रहा है पेशेंट का तो भी उसको यूटीआई का खतरा रहता है। नेक्स्ट वन टाइप्स ऑफ एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस एंड क्रॉनिक पाइलोनेफ्राइटिस एंड नेक्स्ट वन है इम्पीज सेमोटोस एंड पाइलोनेफ्राइटिस। एंड नेक्स्ट वन है अपना एंड अपना फोर्थ वन है अपना जैंथ्रो ग्रैनुलो मैटोस पाइलोनेफ्राइटिस। एंड नेक्स्ट वन एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस इसमें फर्स्ट वन एडिंग पड़ेंगे प्रेजेंटेशन रेंजेस फ्रॉम चाइल्ड माइल्ड इलनेस ऑफ सेप्सिस पेट पेशेंट मे बी विल बी और इल एंड समथिंग। सेकंड वन है साइंस एंड सिम्टम्स लो एंड पेन नोजिया वोमिटिंग फीवर चिल्स रिगर मे बी एसोसिएटेड विथ लोअर यूटीआई सिम्टम्स ट्रैकिकार्डिया एंड ट्रैकिकार्डिया एंड कॉस्टो वर्टिब्रल एंगल टेंडरनेसिस। नेक्स्ट वन है हिस्टोलॉजी नाइट्रोफिल्स इन्फ्लारेटेट्स एंड MCC एसिडेंटिक इन्फेक्शन इकोली एंड कैन बी हेमाटोजेनियस लिम्फैथेटिक्स एंड स्प्रिट इन्वेस्टिगेशन आर ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या इन्वेस्टिगेशन रहता है अपना इन्वेस्टिगेशन यू आर कल्चर CBC लिक्योसाइटोसिस एंड KFT क्रिएटिन एंड ब्लड कल्चर इज प्रेजेंट प्रिजर्व्ड ऑफ द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट ट्रीटमेंट। इसमें कल्चर भेज सकते हैं ल्यूकोमेनिया एंड KFT इलाज भेज सकते हैं ओरल फ्लोराक्यूनिलियन ब्रॉड स्पेक्ट्रम ABX इन द पेशेंट इन फ्लोराक्यूलियन इन द एमिनोलोजिस कोशाडिस। एंड फोर्थ फिफ्थ वन यूरिन कल्चर शुड बी रिपीटेड 1-2 weeks आफ्टर ABX। क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू हॉस्पिटल एक्सट्रीमिस ऑफ एज कॉम्प्लिकेटेड प्रेजेंटेड वोमिटिंग फेलियर आउट पेशेंट।
क्लिनिकल केसेस। 65 ईयर ओल्ड मैन डायबिटिक विथ IST कैम टू ईयर विथ विटेटेड फ्लैंक प्लान फीवर लोअर UTI सिम्टम्स रीनल एंगल सुपरा प्यूबिक टेंडरनेस एंड वाट टू डू इट्स कॉम्प्लिकेटेड UTI अंटिल प्रोवन अदरवाइज। थर्ड वन डू टू डू सिटी स्कैन विथआउट कॉन्ट्रास्ट। फोर्थ वन इट स्टोन इज फाउंड दैट इट इज एन ऑब्जेक्टिव पाइलोनी फाइराइटिस एंड विच इज द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन वेयर पेशेंट मे बिकम शॉक्ड एट एनी टाइम ऑफ मैनेजमेंट विल बी विथ IV फ्रूट्स IV एंटीबायोटिक्स एंड ब्लड कल्चर। डोंट रिमूव द स्टोन एट दिस टाइम बट इट्स ए मस्ट टू रिलीव द ऑब्स्ट्रक्शन बाय पुटिंग ए यूरेटिक डबल स्टेंट पर नेप्रोस्टोमी ट्यूब आफ्टर स्टेबलाइजेशन मैनेज टू रिमूव द स्टोन। ये अपना एक्यूट फाइनोफ्राइटिस देख सकते हैं आप। नॉर्मल ग्लोमेरुली एंड चेम्स कॉलोनी ट्यूबर विथ न्यूट्रोपाइल्स एंड एप्सेप्सिस। ये आप डायग्राम देख सकते हैं एक्यूट देख सकते हैं पाइलोनी फराइटिस एंड सी ओके। सेकेंड है अपना क्रोनिक पाइलोनी फ्राइटिस रिक्वायर्ड पाइलोनी फ्राइटिस। सेकेंड में काज VVR क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हिस्ट्री फिब्रोसिस एंड साइन एंड सिक्स सेम्स रीनल फेलियर फीवर वेट लॉस नोजिया वोमिटिंग एंड फ्लैंक प्लेन। इसमें कॉजेज में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं पेशेंट को कोई भी है ना रीनल फेलियर में किसी रीनल फेलियर हो सकता है पेशेंट को फीवर वेट लॉस नोजिया होना वोमिटिंग फ्लैंक पेन ये सब UTI में हो सकता है। सिस्टिकली डायरेक्टेड एट्रोबेटेड ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबल्स ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ये अपना स्मॉल एट्रोपिक ट्यूबल्स एंड क्रोनिक इंसिटल इन्फ्लामेशन एंड ये देखते हैं अपने नॉर्मल किडनी एंड ये अपनी नॉर्मल किडनी और ये अपनी क्रोनिक पाइलोनरी फाइराइटिस। थोड़ा शार्प नहीं है पर आप देख सकते हैं के नेक्स्ट वन है अपना नेक्स्ट है अपना एम्फीसेमाटोस एंड एम्फीसेमाटोस पाइलोनी फ्राइटिस। नेक्स्ट में DM हाई मोर्टिलिटी रेट देन गैस फॉर्मेशिंग बैक्टीरिया MCC इकोली कैल्वेसिला प्रोटेसियस ये आप देख सकते हैं डायग्राम। एंड नेक्स्ट वन है अपना ये है जैंथ्रो ग्रेनुला मोटोस मेटोस पाइलोनी फाइराइटिस। नेक्स्ट वन है रेड सीजेस क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर ऑफ द किडनी कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रक्टिव मैच द इन्वेट्स ऑफ रीनल प्रेंचिजीमा। एंड नेक्स्ट वन XGP इज द मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड बाय प्रोटियंस एंड एंसरिनिया कोली इन्फेक्शन और PC डोमिनोस एंड स्पेसिस। XGP कैरेक्टराइज बाई लिपिड लेडन फॉर्म एनिमाई मैक्रोपेजिस एंड एक्सपन पेजिस शेयर मैनी कैरेक्टराइज विथ ट्रू रीनल न्यूक्लियस्म इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियोग्राफिक्स अपीयरेंस एंड एबिलिटी टू इन्वॉल्व एडजेसेंट स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन्स। रिस्क फैक्टर इम्यूनिटी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन इन्फेक्शन नेप्रोलाइटिस डायबिटीज एंड ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। एंड नेक्स्ट वन द ओवरऑल प्रोग्नोसिस फॉर XGP इज गुड। नेक्स्ट वन CT स्कैन सो रीनल क्लासिफिकेशन डिफिकल्ट टू डिफरेंटेड फ्रॉम CA। नेक्स्ट में ट्रीटमेंट इन सर्जिकली मैनेजमेंट डिसीज दैट इज ट्रीटेड विथ
अदर नेप्रोकेक्टमी इन द सरमस्टिस एंड पैराइटल एंड नेप्रेक्टोमी एंटीबायोटिक्स आर यूज इन ऑल केसेस बट बस मेडिकल केयर रेली सफिशियंस टू ट्रीटमेंट। ये देख सकते हैं आप डायग्राम, यूटीआई इन्फेक्शन 1 to 10 meters centimeter एंड साइटिसिस सिस्टिसिस इन्फ्लामेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इज कोली अदर्स स्टेप्स सेप्रोफाइटिक्स क्लेप्सिल्ला एंड सेकेंड वन हनीमून सिस्टिटिस एंड थर्ड वन टाइप्स फोर्थ वन एक्यूट इन्फेक्शन साइटिसिस एंड ग्रेडुलर साइटिटिस एंड फॉलिकुलर साइटिटिस एंड हेमोरेजिक एंड इंटरसेंशियल एंड नेक्स्ट वन साइगन एंड सेक सुप्रा प्यूबिक पेन डिस्यूरिया फ्रिक्वेंसी अर्जेंसी ओपेंसिव स्मॉल यूरिनरी हेमोट्यूरिया फीवर। नेक्स्ट वन यूए कल्चर। नेक्स्ट वन सल्मेक्टोजाजोल। ओके नेक्स्ट वन है यूरिथ्रेटिस मोस्ट कॉमन कॉसेस्टिव ऑर्गेनिज्म नाइजीरिया गोनोरिया क्लामिडिया। नेक्स्ट वन साइग एंड डिसोरिया डिस्चार्ज में मेटल एंड पेन साफ पेन। नेक्स्ट वन हाउ एवर फ्रिक्वेंसी ऑफ अर्जेंसी। नेक्स्ट वन डिसोरिया विथआउट फ्रिक्वेंसी दैट इट इज यूरिथ्रेटाइट्स एंड नेक्स्ट वन गोनोकोकल प्रेजेंट विथ सडन वनसेट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ येलो डिस्चार्ज एंड माइल्ड डिसोरिया। नेक्स्ट वन नॉन गोनोकोकल कॉज्ड बाय क्लैमिडिया एंड ट्रैकोमेटिट्स प्रेजेंट बाय ग्रेजुअल वनसेट ऑफ क्लियर डिस्चार्ज। नेक्स्ट वन यूरेथ्रल स्वैब कल्चर एंड सेफ्लोक्सिन एंड एजिथ्रोमाइसिन। ये अपनी कुछ मेडिसिन है जो एंटीबायोटिक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में उसको कवर करती है। ये आप डायग्राम देख सकते हैं। नेक्स्ट वन है अपना प्रोस्टाटिटिस इस स्वेलिंग एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द प्रोस्टेटेड ग्लैंड टू टू रिफ्लक्स ऑफ इन्फेक्टेड यूरिन इनटू प्रोस्टेटिक डक्ट 5% प्रीवेलेंस एंड रिस्क फैक्टर यूटीआई यूरेथ्रल कैथेटर। नेक्स्ट वन अपना माइक्रो ऑर्गेनिज्म इक्वली प्रोटियास कैलिबेसिलिया। नेक्स्ट वन क्लासिफिकेशन आते हैं एक्यूट बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस एंड क्रॉनिक बैक्टीरियल एंड क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम एंड क्रॉनिक पेन पेल्विक पेन एसिम्प्टोमेटिक इन्फ्लामेटरी प्रोस्टेटिस हिस्टोलॉजिक। फर्स्ट वन है अपना ऑक्यूट प्रोस्टेटिस प्रेजेंट विद इज द लोअर यूरिनरी ट्रैक एंड सिम्टम्स आर अब्सेंस ऑफ लो एंड पेन एंड प्रेजेंस ऑफ फीवर मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। सेकेंड वन है विद द वोर स्पेक्ट्रम बीएक्स रिक्वायर्स हॉस्पिटलाइजेशन अवॉइडेंस ऑफ यूरेथ्रल कैथेटर इफ नीडेड यू सब्रूबल कैथेटर। नेक्स्ट वन है वो क्रॉनिक प्रोस्टेटिस कॉसेस रिक्वायर्ड इन्फेक्शन ट्रोमा पेनफुल वोवल्स मूवमेंट हेमोटोरिया पेनफुल वॉइडिंग पेनफुल इजैकुलेशन एंड थर्ड वन ट्रीटमेंट इज इन एनएसआईडी एस्ट्रॉइड अल्फा ब्लॉकर अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर्स इन रिफ्रैक्टरी ऑफ मेडिकल इन माइक्रोवेव हीट थेरेपी। एंड नेक्स्ट वन है अपना क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम। अच्छा तो ये अपना यूरिनरी क्लासिकल मैनिफिकेशन रहता है उसमें क्या क्या रहता है देखो बर्निंग ऑफ यूरिनेशन जब यूरिन आता है यूरिन पास होता है तब पेशेंट को मतलब बर्निंग होती है फ्रिक्वेंसी मतलब कि बार बार यूरिन आना फ्रिक्वेंसी मतलब पेशेंट को बार बार यूरिन आना है ना और
नॉक्टूरिया यानी कि मीन्स नाइट में यूरिन का ज़्यादा यूरिनेशन ज़्यादा होना पेशेंट को, है ना। सुप्रा प्यूबिक यानी कि पेन होता है यूरिन जब पास होने पर, जब पेशेंट को यूरिन पास होता है तो उसको पेन होता है। ये अपने कुछ कॉजेस हैं उसके, क्लिनिकल मैनिफिकेशन। एंड अपन देखेंगे अब क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम। इज ए पेल्विक पेन कंडीशन इन मेन एंड शुड बी डेजिग्नेशन फ्रॉम द प्रोस्टेटिस आल्सो नो क्रॉनिक नॉन बैक्टीरियल प्रोस्टेटिस एंड साइन ऑफ सिम्टम्स। नेक्स्ट वन, लास्टिंग लॉन्गर देन 3 मंथ सिम्टम्स मैक्स पैक्स एंड वेन पेन कैन चेंज रेंज फ्रॉम माइल्ड डायबिटीटिंग एंड मैन पेल रेडिट टू वेक एंड रेक्टम मेकिंग। सिटिंग अनकम्फर्टेबल पेन कैन बी प्रेजेंट इन द पेरिनियम टेस्टिकल्स ट्रिप ऑफ टिप ऑफ पेनिस प्यूबिक और ब्रेडर एरिया। नंबर 5, डिसोरिया एथ्राजिलिक मेलेजिया अनएक्सप्लेन फैटिक एब्डोनॉर्मल पेन कंस्टेंट बर्निंग पेन इन द पेनिस एंड फ्रिक्वेंसी मैन आल द प्रेजेंट पोस्ट एजाकुलेटरी पेन मेडिटेट बाय नर्व्स एंड मसल्स इन हार्मफुल ऑफ द कंडीशन। तो इसी कंडीशन में अपने पेशेंट को बर्निंग रहता है, पेशेंट यूरिन पास आउट में पेन रहता है, फ्रिक्वेंसी में बार बार यूरिन आना, नाइट टाइम में ज़्यादा यूरिनेशन पास होना, है ना। ये सुप्रा प्यूबिक पेन जो यूरिन पास होने में जो सुप्रा प्यूबिक रहता है ना, उस वक्त पेन पेन होता है पेशेंट को पास यूरिन पास आउट होने में। तो ये आपको हो गया क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम। अब आते हैं कॉजेस, नर्वस स्ट्रेस एंड हारमोन्स। नेक्स्ट वन, फूड एलर्जीज। नंबर 3, क्लाइमेट यानी कि नर्वस स्ट्रेस हारमोन। अगर कोई ज़्यादा स्ट्रेस ले तो उसमें नर्वस सिस्टम पर थोड़ा स्ट्रेस पड़ेगा। एंड फूड एलर्जीज, किसी भी खाने से अगर तुमको एलर्जी है, पेशेंट को एलर्जी है, तो वो भी रहेगा। एंड क्लाइमेट। एंड थैंक यू, दिस टॉपिक इज एंड। सो थैंक यू।